दोस्तों, रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोगों ने टॉपिक निर्धारित किया हुआ है संघ की कार्यपालिका। सबसे पहले तो हम संघ की कार्यपालिका के आकार पर चर्चा करना उचित और समीचीन समझते हैं कि संघ की कार्यपालिका किन अंगों से मिलकर के जो बनी होती है, कार्यपालिका में क्या क्या और कौन कौन से पदाधिकारी शामिल होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पद है राष्ट्रपति का पद है, और इसी के साथ चूंकि उपराष्ट्रपति के पद की भी व्यवस्था की गई है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों शामिल किए जाते हैं। और कार्यपालिका में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को शामिल किया जाता है तथा सरकार का एक महत्वपूर्ण विधि सलाहकार जो कि भारत का महान्यायवादी होता है, जिसके पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। तो इन सभी अंगों और पदाधिकारियों से मिलकर भारत के संघ की कार्यपालिका की जो है व्यवस्था और संघ की कार्यपालिका के आकार का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग आज के इस संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे। वैसे संघ की कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 के बीच में किया गया है, लेकिन संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी राष्ट्रपति पर हम लोग चर्चा करेंगे। और भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था का एक अत्यंत लोकप्रिय टॉपिक है राष्ट्रपति, जहाँ से प्रत्येक परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो। और कई बार राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली जो है वो साक्षात्कार में भी पूछा जाता है। तो हम लोग आज के इस लेक्चर में राष्ट्रपति के बारे में जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति की व्यवस्था प्रारंभ होती है, लेकिन इसके पूर्व में हम ये जानना चाहेंगे, ये समझना चाहेंगे कि राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो जिसे भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, और यह देश के गौरव, राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक होता है। इसके बारे में जो प्रावधान है, इसके पद का उल्लेख है, वह अनुच्छेद 52 के अंतर्गत कहा गया है कि 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहाँ पर प्रत्येक शब्द के अपने अर्थ होते हैं, जिसको विश्लेषित करने और उसको विस्तार करके देखने की आवश्यकता और जरूरत होती है, तभी हम इससे संबंधित प्रावधानों को सही रूप में समझ पाते हैं। तो इस तरीके से अनुच्छेद 52 में पद के बारे में जो है प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 53 में जो है कार्यपालिका शक्ति की बात कही गई है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति की बात कही गई है, और यह कार्यपालिका शक्ति कहां पर निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं, संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई उसके अनुसार करेगा। मनमानी राष्ट्रपति नहीं कर सकता, संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों ही अनुच्छेद के माध्यम से उसके पद की स्थिति समझ में आती है। यहाँ पर संविधान के अनुसार स्वयं प्रयोग करने या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करने के अर्थ में ये बातें होती हैं कि उसको प्रधानमंत्री सहित एक मंत्रिपरिषद होता है जो उसको सलाह मशवरा देता है, उसके अनुसार यह अपने शक्तियों का प्रयोग करता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जहां पर नाम मात्र और वास्तविक दो प्रकार के कार्यपालिका पाए जाते हैं, और राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। इसके पीछे भी व्यापक लॉजिक है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका जो होती है वो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद इसलिए होती है क्योंकि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का चयन उस पार्टी से होता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, और स्वयं लोकसभा जनता के द्वारा चुनी गई होती है, और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में शासन शक्ति और सत्ता उन्हीं के पास होती है जिसे जनता में विश्वास और बहुमत प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में होती है। यहां पर राष्ट्रपति नाम मात्र की
कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करता है और वह प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद से परामर्श के आधार पर कार्य करता है। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन की बात कही गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में बात कही गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता जैसे कि एमपी एमएलए या लोकसभा या इसी तरीके से विधानसभा के सदस्यों का चयन होता है, बल्कि वह अप्रत्यक्ष रूप से उन सदस्यों के द्वारा होती है, उन प्रतिनिधियों के द्वारा होती है जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा सीधे चुने गए होते हैं, उनसे बने हुए प्रतिनिधिमंडल के द्वारा इनका चयन होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक बात और है कि गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान के पीछे ये लॉजिक होता है, इसलिए ऐसा किया गया होता है ताकि निष्पक्ष और सुचितापूर्वक मतदान को संपन्न किया जा सके, मतदान को किसी भी तरीके से प्रभावित न किया जा सके। जिन व्यक्तियों को, जिन प्रतिनिधियों को, जिस भी उम्मीदवार को मत देना है वह पूरी तरीके से निर्भीक होकर के मतदान कर सके, जो कि लोकतंत्र की एक प्राथमिक शर्त है, और इन शर्तों के आधार पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें गुप्त मतदान की व्यवस्था होती है और निर्वाचन इनका अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इस तरीके से 54 में जो है निर्वाचन और 55 में निर्वाचन की पद्धति, निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है। इसमें निर्वाचन बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। यहां पर एक शब्द है कि निर्वाचक मंडल, मंडल का मतलब लोगों से मिलकर के बना हुआ समूह। तो निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यहां पर यह ध्यान में रखना है कि कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं, लेकिन वह मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और इसी के साथ सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी इन दोनों राज्यों के विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं और इनसे मिलकर के निर्वाचक मंडल बनती है और ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। और वो मतदान कैसा होता है? गुप्त मतदान होता है। तो इस तरीके से 55 में पद्धति, इसमें 54 में बताया गया है कि निर्वाचन और 55 में बताया गया है निर्वाचन की पद्धति। यहां पर 54 में बताया गया है निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा और निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। अब हम आते हैं 55 पर, निर्वाचन की पद्धति के संदर्भ में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में एक विशेष प्रकार की पद्धति अपनाई गई है जिसे कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल का मतलब एक ही वोट होगा लेकिन वो ट्रांसफरेबल होगा, संक्रमणीय होगा, परिवर्तनीय होगा। कहने का मतलब है कि वोट प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मतदाता एक ही वोट देगा उम्मीदवार को, लेकिन उसका वोट वरीयता क्रम में होगा, 1, 2, 3 के वरीयता क्रम में होगा। और पहले पसंद का वोट जिन भी उम्मीदवार को वो देता है, अगर वह उम्मीदवार विजयी नहीं होता है या विजयी नहीं होता है किसी भी उम्मीदवार को पहले चक्र के मतदान में, तो उसके द्वितीय वरीयता के वोटों को जिन भी व्यक्तियों को दिया गया होता है वहां स्थानांतरित हो जाता है, वहां परिवर्तित हो जाता है, वहां संक्रमणीय हो जाता है। इसीलिए उसको सिंगल ट्रांसफरेबल, यानी कि वोट एक ही है लेकिन वह पहली वरीयता में जीतने की ना जीतने की स्थिति में उस उम्मीदवार के पहली वरीयता के वोटों को दूसरे वरीयता के उम्मीदवार को जिन भी लोगों ने दिया है उसे स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे अभी हम एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपको पूरी तरीके से स्पष्ट होगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर केवल पद्धति के बारे में हम लोग 55 में देखेंगे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव होता है। इसमें मतदाता वरीयता क्रम में वोट देते हैं, जैसे यहां पर हम एक चार्ट बना देते हैं।
ए बी सी इस तरीके से तीन कैंडिडेट हैं और यहां पर मतदाता है, मतदाता के द्वारा यहां पे वोट किया जा रहा है। हो सकता है इसे वह द्वितीय वरीयता का, इसे प्रथम वरीयता का, इसे तृतीय वरीयता का वोट दे। ये उम्मीदवार होते हैं, ये उम्मीदवार होते हैं और ये है क्रमांक। ये मतपत्र का प्रारूप है जिसमें एक दो तीन के क्रम में जो है मतदाता उम्मीदवार होते हैं। उम्मीदवारों के नाम मान लीजिए इसमें ए बी और सी रखा गया है, ए बी सी रखा गया है, और मतदाता कोई मतदाता है, कोई विशेष प्रकार का मतदाता है जिसमें ए उम्मीदवार ए को द्वितीय वरीयता का, बी उसे पसंद है सबसे ज्यादा इसलिए इसे पहली वरीयता का वोट दे देता है कि हम इसको वोट दे रहे हैं। लेकिन अगर यह नहीं जीतता है तो हमारा वोट इनको ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर द्वितीय वरीयता के वोटों को गिना जाएगा और ये तृतीय, अगर ये भी हार जाएगा तो हम इसे तृतीय नंबर पर रखते हैं। तो इस तरीके से वोट उसका एक ही है लेकिन ये वरीयता क्रम में वोट दे रहा है, पहला सबसे ज्यादा पसंद इसको कर रहा है, इन्हीं को वो जिताने के लिए वोट दे रहा है। लेकिन अगर ये उम्मीदवार नहीं जीता है तो इनका ये वोट इनको चला जाएगा और ये भी नहीं जीते हैं तो इनको चला जाएगा। तो ये प्रारूप इस तरीके से मतदान का होता है। यहां पर प्रथम वरीयता आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति में एक विशेषता यह होती है कि उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निश्चित मत प्राप्त करना होता है और वह निश्चित मत होता है कुल पड़े वैध मतों के आधे से एक अधिक। अगर कहीं पर 100 वोट पड़ते हैं वैध मत तो आधे से अधिक कितना होगा, आधा 50 होगा और एक उसमें यानी कि 51। अगर कुल वोट वैध 100 पड़ते हैं तो उसके आधे 50 और प्लस 51 वोट किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए होता है। तो इसमें निश्चित मत संख्या प्राप्त करनी होती है और इसीलिए इसमें जब गणना प्रारंभ होता है तो प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है और यदि किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उस उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यदि उस उम्मीदवार या किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है और उसके यहां पे जैसे बताया गया उसके द्वितीय वरीयता के वोटों को, उसके द्वितीय वरीयता के वोटों को उन्हें दे दिया जाता है जो शेष बचे हुए होते हैं। अब ये देखना होता है कि उसको जितने भी लोगों ने प्रथम वरीयता का वोट दिया है उन लोगों ने 10 लोगों ने मान लीजिए दिया है किसी को और वो उम्मीदवार हार जाता है तो उसके 10 वोटों को, उसके 10 वोटों पे जो 2 नंबर का वरीयता दिया गया है उनको दे दिया जाता। हो सकता है उन 10 में से ए को 5 लोगों ने दिया हो और बी को 5 लोगों ने, ये भी हो सकता है कि ए को 3 लोगों ने दिया हो और बी को 7, सी को 7 लोगों ने दिया हो। तो इस तरीके से उसके द्वितीय वरीयता के वोटों को स्थानांतरित कर दिया जाता है और पुनः मतों की गणना की जाती है और फिर देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति एक स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर पाता है या नहीं। और इसी तरीके से सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्तियों को बाहर करके उसके द्वितीय वरीयता के वोटों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि किसी एक उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो जाता है। अब यहां पर हम एक चार्ट के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। को इस तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर क्रमांक हम लोग डालते हैं एक दो तीन, यहां उम्मीदवार है ए बी और सी। मान लीजिए कुल मत जो है वो 100 है,
कुल मत जो है वैध मत है 100, 100 वोट पड़े हैं। यहां पर यह है कि मान लीजिए ए को 25 वोट प्राप्त होते हैं, बी को 40 वोट प्राप्त होते हैं और सी को 35 वोट प्राप्त होते हैं, 35 और 25, 60 और 40, 100। तो इस तरीके से यहां पर कुल 100 वोट प्राप्त हो गए। अब आप देखिए यहां पर यदि पहले वरीयता के वोटों की गणना की जाए तो यहां पर अधिकतम 40 वोट प्राप्त हुए हैं, लेकिन अगर इसका 50% प्लस 1 कहा जाए तो यहां पर यह होगा 100/2+1, अब यह हो जाएगा 50+1=51। अब यहां पर 51 की संख्या जो है वो किसी भी उम्मीदवार को प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट प्राप्त हुआ है उस उम्मीदवार के वोट को हम द्वितीय वरीयता के वोटों को ट्रांसफर कर देंगे। मान लीजिए यहां पर पुनः हम किसी को देख लेते हैं कि कैंडिडेट है ए, बी और सी। मान लीजिए ये जो 25 लोग हैं इनको पहली वरीयता का वोट दिए हैं, जैसे यहां पर है एक, तो ये 25 लोग वो द्वितीय वरीयता की वोट किन लोगों को दिए हैं? हो सकता है इसमें से मान लीजिए हम ये देखते हैं, या यहां तो ये कट हो जाएगा क्योंकि इसको बाहर कर दिया गया, इसके 25 वोटों को यहां पे ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। इन 25 लोगों ने अपने द्वितीय वरीयता के वोटों को अगर देखा जाए तो मान के चलिए लोगों ने मान के चलिए इनको दिया हो, और इसी तरीके से शेष 17 लोगों ने इनको दे दिया हो, तो अब इस आधार पर इसके वोटों की गणना की जाएगी। जो पहले इनको वोट प्राप्त हुआ था उसमें द्वितीय वरीयता के जो वोट इनको मिलेंगे वो देख लिया जाएगा, यानी कि 40+8=48 वोट, और यहां हो जाएगा 35 प्लस 17, तो 35+17 हो जाएगा 52। अब यहां पर ये उम्मीदवार 51 से अधिक वोट प्राप्त किया है, ऐसी स्थिति में उम्मीदवार सी को राष्ट्रपति विजयी घोषित कर दिया जाएगा। यहां पर पहली वरीयता के वोटों की गणना में इसे 40 वोट प्राप्त होने के बावजूद भी स्पष्ट बहुमत द्वितीय वरीयता में नहीं प्राप्त हो पाया। कहने का अर्थ यह है कि यदि पहले वरीयता में किसी को ज्यादा वोट मिले हैं तो इसका कोई भी ये अर्थ नहीं है कि द्वितीय वरीयता के वोटों की गणना में उसे ही अधिकतम वोट मिलेंगे। हो सकता है जिन लोगों ने पहली वरीयता का वोट किसी ऐसे उम्मीदवार को दिया है जो बाहर हो गया है, हार जिसको मान लिया गया है, वह उसके द्वितीय वरीयता के वोट तीसरे कैंडिडेट या तीसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार को ज्यादा दिया गया हो, जैसे कि यहां पर इसको 17 दिया गया है। खैर यह तो एक उदाहरण है जिसके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बात की संभावना बनी रहती है 40 को भी अधिक वोट मिल सकता है और 35 यानी कि सी कैंडिडेट को भी मिल सकता है, लेकिन यहां जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं उस तरीके से सी उम्मीदवार यहां पर राष्ट्रपति हो जाता है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति का तात्पर्य होता है कि वोट एक ही होगा, वो वरीयता क्रम में 1, 2, 3 के रूप में देगा, और इसी तरीके से 100 जैसे यहां पर माना गया था इसी तरीके से 100 मत पत्र रहेंगे, और 100 में इस तरीके की कंडीशन रहेगी, कोई ए को पहला दे देता है, बी को तीसरा देता है, सी को दूसरा देता, इसी तरीके कैंडिडेट रहेंगे, और उन सभी लोगों की गणना अगर की जाती है तो उनके पहले वरीयता के वोटों को, तो यहां पर 25 आ जाता है, यहां पे 40 आ जाता है, यहां पे 35, लेकिन चूंकि किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है इसलिए इनको यहां पर हार मान लिया जाता है। इनकी हार के बाद इन 25 वोट मान के चलिए इस 25 वोट में से एक वोट ये है कैंडिडेट का है, तो इसने जो है द्वितीय वरीयता के वोटों को इन्हें दिया है एक। खैर इसमें तो द्वितीय पहली वरीयता का वोट इनको मिला है, अगर मान के चलिए इस तरीके का होता 1, 2, 3 के रूप में होता तो यहां पर पहली वरीयता का वोट इनको गिना गया था यहां पर 25 में, और चूंकि यहां हार गए हैं तो अब इनका वोट जो है कैंसिल हो गया, अब ये द्वितीय वरीयता की वोट यानी कि इनका जो वोट है ए वाला अब बी को यहां चला जाता, और कोई ऐसा उम्मीदवार होगा जिसने बी के द्वितीय वरीयता के वोट के रूप में इनको लिखा होगा, यहां पर वो तीसरा लिखा होगा, यहां पे पहला, इस तरीके से भी हो सकता। तो यहां पर अगर दो कैंडिडेट हैं, एक ये
ये मतदाता एक, ये मतदाता, तो इसका ये दोनों वोट गिना गया लेकिन दोनों बाहर होने के कारण द्वितीय वरीयता का वोट देखा जाएगा, तो एक इस उम्मीदवार का वोट बी को चला जाएगा और इस उम्मीदवार का वोट सी को चला जाएगा क्योंकि इसने द्वितीय वरीयता का वोट सी को दिया हुआ है। तो ऐसे स्थिति में सभी 2500 लोगों को देखा जाएगा कि उन 2500 लोगों में किसको कितना वोट द्वितीय वरीयता का दिया है और उसे स्थानांतरित करके उनके पहले वाले पड़े वोटों को जोड़ करके देखा जाएगा और तब निष्कर्ष निकाला जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया हुआ है और उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के निर्वाचन की यह व्यवस्था रही है। राष्ट्रपति के शर्त, राष्ट्रपति के पद के जो है शर्तें और योग्यता, योग्यता और शर्तें, ये 58 और 61 अनुच्छेद 58 और 61 के अंतर्गत इसका इसकी व्याख्या की गई है। 58 और 61 के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है। योग्यता के अंतर्गत बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति उसकी 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, राष्ट्रपति की उम्र जो है न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए, वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और इसी तरीके से वो भारत का नागरिक हो, लोकसभा की जो है सदस्यता रखने की योग्यता रखता हो और उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। इसी तरीके से शर्तों में बताया गया है कि वह लोकसभा या राज्यसभा या किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि इन दोनों ही सदनों के सदस्य रहते हुए वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उस तिथि से उसका उस सदन में पद रिक्त हो जाता है और इसी तरीके से वो उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 58 और 61 के माध्यम से राष्ट्रपति पद की योग्यता और शर्तों का विश्लेषण और व्याख्या किया गया है। इसी तरीके से राष्ट्रपति के कार्यकाल को हम लोग देख लेते हैं। जिस तरीके से 53 और 54 में इनके निर्वाचन और निर्वाचन की पद्धति ध्यान रखना है, अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन और 55 में निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है, जैसा कि हम लोगों ने एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में बताया। तो कार्यकाल के बारे में कहा गया है और यह 56 में कार्यकाल अनुच्छेद 56 के अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और 5 वर्ष अगर बीत गया तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि अगला उम्मीदवार उस पद पर नहीं आ जाता है। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि वो उसके पूर्व ही अपना त्याग पत्र दे दे, तो इसके त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को वो संबोधित करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। लेकिन एक और कंडीशन हो सकती है, लेकिन एक और कंडीशन हो सकती है कि उसको महाभियोग के माध्यम से भी हटाया जा सकता है। तो अभी हम महाभियोग के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यकाल 56 में बताया गया है कि 5 वर्ष होता है और 5 वर्ष के बाद वह तब तक बना रहेगा जब तक अगला उम्मीदवार नहीं आ जाता और पहले भी वह उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्याग पत्र दे सकता है। और तीसरी कंडीशन यह होती है कि महाभियोग प्रक्रिया। इसमें एक और चीज देख लेना है कि भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कार्यकाल कितनी भी बार कार्यकाल पर वो ग्रहण कर सकता है, कार्यकाल की संख्या जो है इसमें उल्लिखित नहीं है, अर्थात कोई भी उम्मीदवार, कोई भी राष्ट्रपति कितनी भी बार उस राष्ट्रपति पद को ग्रहण कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था अनुच्छेद 57 के अंतर्गत बताई गई। अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, इसी तरीके से अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि कोई भी राष्ट्रपति कितनी भी बार उस पद पर बना रह सकता है। और एक कंडीशन जो लास्ट में हमने बताया महाभियोग की, तो आर्टिकल 61 के अंतर्गत, आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रणाली की व्याख्या की गई है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया भी जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से पद से हटाने के लिए ऐसा संकल्प संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, बशर्ते कि उस सदन के 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में महाभियोग प्रारंभ होने की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को
देना चाहिए और राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उस प्रक्रिया में भाग ले सकता है, वहां पर वह उपस्थित रह सकता है। इसके संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात है कि जहां जहां पर विशेष प्रकार के प्रावधान की बात कही गई है कि किसी भी संकल्प को या विधेयक को विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा, वहां हमेशा ये लिखा गया होता है कि उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले दो तिहाई बहुमत से। लेकिन इसके संदर्भ में एक अलग व्यवस्था अपनाई गई है कि संसद के उस सदन के कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत, उपस्थिति या मतदान की बात यहां पर नहीं है, इसीलिए यह विशेष बहुमत में भी विशेष हो जाता है और इसीलिए इसे महाभियोग कहा जाता है। यह दो तिहाई सदन के कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत से यह पास होना चाहिए और पुनः यह दूसरे सदन में जाएगा और वहां भी एक दो तिहाई बहुमत से पास होगा। ध्यान रहे कि जिस दिन दूसरा सदन भी इसे दो तिहाई बहुमत से पास कर देगा उस दिन राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये व्यवस्थाएं होती हैं राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में। ध्यातव्य है कि भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से अभी तक नहीं हटाया गया है। एक यहां पर और प्रावधान जान लेना आवश्यक है कि यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, लेकिन यदि उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल या राष्ट्रपति का भी जो है पद रिक्त हो तो उस समय उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा इस पद को ग्रहण किया जाएगा और राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। ध्यातव्य है कि इतिहास में यम हिदायतुल्ला एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो इस तरीके से राष्ट्रपति पद के संदर्भ में ये व्यवस्थाएं थी और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के 61 में दी गई है। यहां पर एक और बात समझ लेना आवश्यक है कि राष्ट्रपति ही एकमात्र ऐसा पद है भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था में जिसे महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। यद्यपि विभिन्न प्रकार की किताबों में और परीक्षाओं में कई बार यह भी पूछ लिया गया है, जैसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन लोगों को भी महाभियोग के आधार पर हटाने की बात कही जाती है, परंतु वह गलत है। केवल महाभियोग के आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जाता है और अन्य सभी लोगों को, जिन पदाधिकारियों की चर्चा और नामों का उल्लेख मैंने पूर्व में किया, वे सभी पदाधिकारियों को साबित कदाचारियों अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। जैसा कि भी हम लोगों ने कार्यकाल के संदर्भ में बात किया, तो अमेरिका में यदि देखा जाए तो अमेरिका का राष्ट्रपति केवल दो बार ही अपने पद पर बना रह सकता है, यानी कि दो कार्यकाल रह सकता है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में ऐसे किसी भी संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, अर्थात वो कितनी भी बार अपने पद पर रह सकता है। तो इस तरीके से ये व्यवस्थाएं राष्ट्रपति के संदर्भ में थी, राष्ट्रपति के पद, उसके कार्यपाल की शक्तियां, उसके निर्वाचन, निर्वाचन की पद्धति, उसका कार्यकाल, पद की योग्यता, शर्तें, महाभियोग के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और ये देख लेना आवश्यक है कि ऐतिहासिक स्तर पर अगर देखा जाए तो नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो निर्विरोध इस पद पर जो है चुन लिए गए थे, जबकि बीबी गिरी ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिन्हें गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति होने का जो है तमगा प्राप्त है। और इसी तरीके से वो पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं बीबी गिरी जिनके चुनाव में द्वितीय वरीयता के वोटों की गणना करना पड़ा था, क्योंकि प्रथम वरीयता के वोटों में यह स्थिति बन के आई थी जिसमें किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। तो यह ऐसी व्यवस्था थी, जबकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे व्यक्ति थे जो वैज्ञानिक थे और वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन देश में उनकी योग्यता और देश के निष्ठा के कारण से उन्हें राष्ट्रपति पद प्राप्त हुआ था। तो आप लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक वैज्ञानिक व्यवस्था को देखा और इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने संघ की कार्यपालिका एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी राष्ट्रपति के पद के विभिन्न पहलुओं को देखा। अगले लेक्चर में हम लोग राष्ट्रपति पद के
के दायित्व, कार्य और शक्तियों पर जो है चर्चा करेंगे। तो तब तक आप लोग इस टॉपिक के साथ साथ अपने अन्य टॉपिक और विषयों का बेहतर ढंग से अध्ययन जारी रखिए, और पुनः उस लेक्चर में हम राष्ट्रपति के पद दायित्वों को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।